स्वागत है आप सबका इंडियन फिल्म हिस्ट्री पर। And also we haven't done too well. It's a question of rebuilding our confidence and morale. भारतीय टीम के टाइगर कहे जाने वाले मंसूर अली खान पटौदी ने 2011 में इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। मंसूर क्रिकेटर प्रेमियों के बीच अपने शानदार खेल की वजह से जाने जाते थे। We hope that we shall win the next test match. We certainly haven't lost. लेकिन सिने प्रेमी के बीच भी उनकी पॉपुलैरिटी कम नहीं थी। वह खेल के साथ साथ अपनी लव लाइफ की वजह से चर्चा में बने रहते थे। वह साल 1968 में बॉलीवुड की खूबसूरत अभिनेत्री शर्मिला टैगोर के साथ शादी के बंधन में बंधे थे। लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि एक समय पर वह सिमी ग्रेवाल के प्यार में पागल थे। मंसूर अली खान पटौदी की सिमी ग्रेवाल से पहली मुलाकात उन दिनों हुई थी जब सिमी मुंबई बॉलीवुड में अपना करियर बनाने आ गईं। लेकिन यहां आकर जब उनकी मुलाकात मंसूर अली खान से हुई तो दोनों के बीच दोस्ती और फिर प्यार शुरू हो गया। उन दिनों दोनों के इश्क के चर्चे क्रिकेट की गलियों से लेकर शोबिज इंडस्ट्री तक में होते थे। दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल थे और इसी वजह से मंसूर अली खान और सिमी ग्रेवाल ज्यादा समय साथ बिताते थे। कहा जाता है कि नवाब पटौदी और सिमी ग्रेवाल एक दूसरे के लिए काफी सीरियस थे और इसी वजह से दोनों अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते थे। इतना ही नहीं, मंसूर अपने घर वालों से सिमी को मिलवाने का फैसला भी कर चुके थे, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। नवाब की जिंदगी में अचानक ही शर्मिला टैगोर की एंट्री हो गई, जिससे सब कुछ बदल गया। मंसूर अली खान और शर्मिला टैगोर की मुलाकात एक कॉमन दोस्त के जरिए हुई थी। Maybe at a friend's house. जब दोनों मिले थे तब शर्मिला टॉप एक्ट्रेस थी और मंसूर दमदार क्रिकेटर। दोनों ही अपने क्षेत्र में शानदार काम कर रहे थे। इसी वजह से शर्मिला टैगोर मंसूर की बहुत बड़ी फैन थी। नवाब पटौदी पहली नजर में ही शर्मिला पर अपना दिल हार बैठे थे। उन्हें इस एक मुलाकात में महसूस हो गया था कि शर्मिला ही वो लड़की है जो उनके लिए बनी है, लेकिन फिर भी उन्होंने अभिनेत्री को प्रपोज करने में 4 साल लगा दिए थे। हालांकि जैसे ही क्रिकेटर को ये एहसास हुआ कि वो शर्मिला से प्यार करने लगे हैं, तो उन्होंने सिमी ग्रेवाल से अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए। इसके बाद दोनों ने 27 दिसंबर 1968 को अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंडियन फिल्म हिस्ट्री। फिल्मों की ताजा खबरें क्यों मिस करना, अभी सब्सक्राइब करो इंडियन फिल्म हिस्ट्री और अंदर की बातें जानो। बॉलीवुड की दुनिया का टिकट बस एक क्लिक दूर। बॉलीवुड के बिना रह नहीं सकते, फिल्मी शॉर्ट्स ऐप डाउनलोड करें और चलते फिरते मनोरंजन का मजा लें। झटपट चटपटी और पूरी बॉलीवुड वाली खबरें फिल्मी शॉर्ट्स ऐप iOS और एंड्रॉइड दोनों पर मौजूद है। एंटरटेनमेंट की दुनिया में चांस पाने का एक आसान तरीका, फिल्मी जॉब्स ऐप अभी डाउनलोड करें और बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखें। अवेलेबल फॉर iOS एंड एंड्रॉइड डिवाइसेज, प्लीज डाउनलोड फिल्मी जॉब्स ऐप।